नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अभय न्यूज के 15 मई शनिवार दोपहर के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। दो दिन पहले आपके अपने न्यूज चैनल अभय न्यूज ने जिला अस्पताल के हड्डी वार्ड में पशुओं की तरह पड़े हुए एक मरीज की खबर प्रसारित की थी। मरीज गंदगी में पड़ा हुआ था और उसके चारों ओर शौच और खाने के पैकेट बिखरे हुए थे। अभय न्यूज पर प्रसारित खबर मरीज के परिजनों ने देखी और तुरंत जिला अस्पताल पहुंचे। वहां अपने भाई की हालत देखकर परिजन स्तब्ध रह गए। तुरंत व्यवस्था कर मरीज के परिजनों ने उसकी सफाई की और कपड़े पहनाए। इसके बाद अस्पताल प्रबंधन ने भी वार्ड में सफाई की व्यवस्था की। मरीज की पहचान उज्जैन के सिंधी कॉलोनी निवासी रामलाल पिता दौलतराम चौधरी के रूप में हुई है। रामलाल के भाई कैलाश और नवीन चौधरी ने बताया कि वह मानसिक विक्षिप्त है और पिछले लगभग 25 दिनों से घर से गायब है, जिसकी गुमशुदगी उन्होंने नीलगंगा थाने में दर्ज की हुई है। अपने भाई की तलाश में उन्होंने उज्जैन का चप्पा चप्पा छान दिया था, लेकिन कहीं उनकी जानकारी नहीं मिली। लेकिन अभय न्यूज की खबर की सहायता से आज उनका भाई उनके बीच है। रामलाल के परिजनों ने अभय न्यूज का दिल से आभार माना। ये हमारे भैया रामलाल चौधरी सिंधी कॉलोनी में, मैं नवीन चौधरी। इनकी FIR हमने नीलगंगा थाने में करवाई थी और बहुत दिनों से 25 दिन से लापता है ये। तो हमको अभय न्यूज़ के द्वारा मालूम पड़ा कि भाई ये सरकारी अस्पताल में है, लेकिन इनकी स्थिति यहाँ पे ज़्यादा ख़राब थी। हालांकि इनको पट्टा वट्टा जो भी चढ़ा, इन्होंने इलाज अपना अच्छा करा। उसके बाद हम यहाँ पे आए और इसकी साफ़ सफाई करवाई पूरे अस्पताल की, और इनका इलाज मतलब जो चल रहा है वो चल ही रहा है, और अब हम इसकी सेवा कर रहे हैं। और हमारे को धन्यवाद अभय न्यूज़ का, जिनके माध्यम से हमको इनकी जानकारी मिली और हमको अच्छा लगा। महाकाल मंदिर में सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाली SIS सिक्योरिटी कंपनी अपने कर्मचारियों के अधिकारों की सुरक्षा ही नहीं कर पा रही है। कंपनी में सुरक्षा गार्ड के पद पर काम करने वाले कई कर्मचारियों को पिछले 3 महीने से वेतन ही नहीं मिला है। वे जब भी अपने अधिकारियों से वेतन मांगते हैं तो उन्हें टाल दिया जाता है। ऐसे में घंटों लोगों की सुरक्षा में लगे इन कर्मचारियों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। अपनी समस्या लेकर ये लोग अब प्रशासनिक अधिकारियों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। फिलहाल महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं का प्रवेश बंद होने से इन सुरक्षा गार्डों की ड्यूटी शहर के अलग अलग कोविड केयर सेंटर्स पर लगाई गई है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब SIS सिक्योरिटी एजेंसी के कर्मचारी वेतन के लिए परेशान हो रहे हैं। इसके पहले भी कई बार ऐसी शिकायतें मिल चुकी हैं। हमारे SIS कंपनी के मैनेजर अरविंद सर है, ब्रांच मैनेजर, उनके हाथ में, और महाकालेश्वर मंदिर के जो भी अधिकारी लोग हैं वो हमें तो पता नहीं अब किसके हाथ में है, कौन नहीं दे रहा सैलरी। अभी हमारी नौकरी क्वाइट के अस्पतालों में सेंटर में लगाई गई है और हमारे 3 महीना कंप्लीट हो गए, 4th महीना रनिंग में सैलरी नहीं दी जा रही। रोज आजकल बोलकर टाल दिया जा रहा है इस बात को। धार्मिक नगरी उज्जैन में भी कोरोना का असर अप्रैल माह में भयावह रहा। शहर में अब स्थिति सामान्य होने लगी है तो वहीं गांव में कोरोना बढ़ता जा रहा है। जिले के मक्सी रोड स्थित एक कॉलोनी के रहवासी महामारी से छुटकारा पाने का अनोखा प्रयास कर रहे हैं, जिसमें कुछ लोग बांस की मचान पर हवन यज्ञ कुंड बनाए हैं और उसमें गूगल, कपूर, अजवाइन, नीम, शुद्ध देसी घी का मिलान कर पूरी कॉलोनी में धुआं कर रहे हैं। चूंकि धार्मिक नगरी है तो लोगों का अध्यात्म से जुड़ाव स्वाभाविक है और उनका मानना है कि भारतीय संस्कृति ऋषि मुनियों के काल से यज्ञ आहूति की परंपरा का निर्वहन करती आ रही है और प्रत्येक व्यक्तियों को घर में इसे शुरू करना चाहिए। जागरूकता हेतु इसकी शुरुआत हमने की है। कॉलोनी के अध्यक्ष विष्णु कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि हमने आज पूरी कॉलोनी को यज्ञ आहूति के धुएं से शुद्ध करने का प्रयास किया है। भारतीय संस्कृति की परंपराओं की जागरूकता हेतु भी हमने पूरी कॉलोनी को व समाज के हर व्यक्ति को संदेश देना चाहा है। सभी अपने अपने घरों में इसे शुरू करें। हर व्यक्ति के घर में ये प्रोसेस होनी चाहिए, जिससे घर में जो भी नेगेटिव ऊर्जा हो वो खत्म हो जाए। और इसी पद्धति को हमने आज ध्यान में रखते हुए पूरी कॉलोनी में इस धूप का हवन प्रोसेस पूरी करी है, ताकि जो कोरोना संक्रमित जो लोग हो रहे हैं या जिनमें भी कोरोना से संक्रमित जो कीटाणु सभी जगह आज वायु में सभी जगह आ गए हैं, तो उससे इस कीटाणुओं का नाश हो, या बस इसी आशा से हमने आज प्रोग्राम करा है। इसमें हमने गूगल, कपूर, अजवाइन, नीम, चंदन और शुद्ध घी, इस तरीके से हमने सारी आहुति से दे के आज हवन सामग्री पूरी करके आज पूरी कॉलोनी में इसको घुमाया है।
देवास में 15 मई तक लगाए गए लॉकडाउन यानी कोरोना कर्फ्यू को अब 30 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। विधायक गायत्री राजे पवार ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से चर्चा कर उन्हें देवास की स्थिति से अवगत कराया, जिसके बाद क्राइसिस कमेटी की बैठक में लॉकडाउन बढ़ाने का निर्णय लिया गया, जिस पर कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला ने इस संबंध में तत्काल आदेश जारी किए। लॉकडाउन में फिलहाल कोई छूट नहीं रहेगी, आदेश पहले की तरह ही है, उसमें कोई संशोधन नहीं किया है। बता दें कि जिले में 9 अप्रैल से लॉकडाउन लगा हुआ है। शुरुआत में प्रशासन ने किराना दुकानें, सब्जी, फल फ्रूट दुकानें, आटा चक्की एवं दूध डेयरी को शाम को 6 बजे तक छूट दी थी, जिसके बाद संशोधन करते हुए 7 से 10 बजे तक सुबह 3 घंटे की छूट दी थी। इस दौरान बाजार में भीड़ बहुत उमड़ रही थी और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा था, जिसे देखते हुए 28 अप्रैल से पूर्णतः लॉकडाउन की घोषणा की गई, जिसके बाद कोरोना संक्रमित मरीजों के केस भी कम होने लगे, साथ ही धीरे धीरे कोरोना की चेन भी अब टूट रही है। सामान्यतः जो लॉकडाउन पहले कोरोना संक्रमण की चेन को रोकने के लिए लगाया गया था, उसकी अवधि जो है हमने बढ़ा करके अभी 30 तारीख तक की है, क्योंकि ये बड़ा स्पष्ट है कि लॉकडाउन ही एक इफेक्टिव तरीका है जिससे कोरोना के संक्रमण की चेन को रोका जा सकता है। इसमें छूट किसी को नहीं है, केवल जो मेडिकल पर्पसेस के लिए बाहर जाते हैं, कोई अपना वैक्सीनेशन कराने जाता है या अपनी दवाई कराने के लिए जाता है, केवल उन्हीं को छूट होगी। दूध का जो व्यवसाय है उसमें सुबह 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक और शाम को 6 बजे से लेकर 8 बजे तक। इसी तरह से जो सब्जी जो लोग थोक में लेकर के ठेलों के माध्यम से ही केवल सवेरे 10 बजे से पूर्व अनुमति रहेगी, इसके अलावा कहीं किसी को कोई अनुमति नहीं रहेगी, और अगर कोई अनुमति का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई भी इस बात की जाएगी। उज्जैन रोड पर पुराने आरटीओ कार्यालय के पास सिंधी कॉलोनी में मजदूरों की झुग्गियों में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने एक के बाद एक झुग्गियों को अपनी चपेट में ले लिया। इधर सूचना मिलने पर दमकलें मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। जानकारी के अनुसार उज्जैन रोड बीमा चौराहे के सामने सिंधी कॉलोनी में मजदूरों ने रहने के लिए झुग्गियां बना रखी हैं। शुक्रवार शाम करीब 7 बजे अचानक बिजली के तार में फॉल्ट होने से गिरी चिंगारी से झुग्गियों में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और एक दर्जन से अधिक झुग्गियों को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलने पर दमकलें मौके पर पहुंची और बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि झोपड़ी में रहने वाले मजदूर लॉकडाउन के चलते अपने घर गए हुए थे, नहीं तो कोई बड़ी जनहानि भी हो सकती थी। बताया जा रहा है कि झोपड़ी में रखे बिस्तर सहित खाद्य सामग्री भी जलकर खाक हो गई। मेरे को अगर मतलब एक ने अगर चिल्लाया तो आग लगी हुई, तो मैंने अगर दौड़ के अगर गया जैसे अगर मतलब अगर गया तो अगर इसके बाद में अगर झोपड़ी अगर जल गई, इसके बाद में अगर गाड़ी आई तो बुझाई। क्या क्या सामान था? खाना पाना अगर सब अगर जल गया तो अगर हमारा अगर खाली राशन पानी था अगर सब जल गया। ये शॉर्ट सर्किट था और हमारी दो फायर, एक बड़ी फायर एक छोटी फायर और एक बड़ी वाटर लारी एक वाटर टैंकर से आग पर काबू पाया गया है। कैसी सूचना मिली थी, क्या है? एक कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी। वायरस के प्रभाव को कम करने के लिए करवाएं अपने ऑफिस, घर, दुकान, क्लिनिक, गोडाउन, फोर व्हीलर्स गाड़ियों का उच्चतम क्वालिटी के केमिकल से सैनिटाइजेशन और करें अपनी और अपनों की सुरक्षा। मनीष केमिकल्स, पांड्या खेड़ी, उज्जैन। शुक्रवार की सुबह जूना शहर निवासी जितेंद्र मालवी की 2 साल की बालिका की गुमशुदगी की शिकायत थाना खाचरोद में दर्ज कराई गई थी। बच्ची की फोटो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुए। पुलिस की टीम भी बच्ची की छानबीन में जुट गई, लेकिन दोपहर तक बच्ची का कोई अता पता नहीं लगा। तो शाम को दोबारा पुलिस ने घर पहुंचकर पड़ताल की तो पड़ोस के शादी वाले घर के टैंक में बच्ची का तैरता हुआ शव मिला, जिसे पीएम के बाद परिजनों को सौंपा गया। एसआई मोनिका तिवारी ने शादी वाले परिवार पर देर रात्रि को धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई की। अक्सर विवादों में रहने वाले एएसआई मालवी को बागरी समाज को चोर कहना भारी पड़ गया, जिस पर वहीं बागरी समाज युवा संगठन के लोगों ने आपत्ति लेते हुए एएसआई कन्हैया लाल मालवी के विरुद्ध अनुभागीय अधिकारी पुलिस अधीक्षक के नाम थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा।
नगर अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि मैं कल गुरुवार शाम 5 के लगभग अपने परिचित की एक माह पूर्व चोरी गए वाहन की पूछताछ के लिए थाने पहुंचा था। वहीं तराना थाने पर पदस्थ SI कन्हैयालाल मालवीय से चोरी गए वाहन की जानकारी मांगी तो कन्हैयालाल मालवीय द्वारा जवाब देने के बजाय महोदय ने अपनी वर्दी का रोब झाड़ते हुए मुझ पर बागरी समाज को लेकर जाति सूचक टिप्पणी करते हुए कहा कि तुम्हारी बागरी समाज ही चोर है और तुमने खुद ही तुम्हारा वाहन चोरी किया है। कि मैं कल जब वहाँ गया था चोरी की वो सूचना लेने के लिए समाज वाले गाड़ी की, तो वहाँ मेरे समाज को चोर बताया इन्होंने कि सारी बागरी समाज चोर है। अब मैंने इसके विषय में एक ज्ञापन दिया है SDM महोदय को भी और SP साहब को, यही साहब को मैंने आवेदन दे के आया हूँ अभी कि इन दोस्तों जो इस तरह की बात करते हैं समाज के विरुद्ध, ऐसा कहते हैं सारी समाज को चोर बताते हैं, आज बागरी समाज को उन्होंने चोर बताया, कल से किसी समाज दूसरे समाज को चोर बताएंगे। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।